लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सातवें चरण के नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद, भारत प्रभात पार्टी से गीता तथा भाजपा प्रत्याशी रविंद्र श्याम नारायण उर्फ रवि किशन ने बुधवार को दोबारा जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के समक्ष नामांकन दाखिल किया एवं 11 प्रत्याशियों ने कुल 12 सेट नामांकन पत्र खरीदे। इसी प्रकार बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी के रूप में सदल प्रसाद ने एडीएम फाइनेंस के कोर्ट में एआरओ अमित बंसल के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया तथा निर्दल प्रत्याशी ने एक सेट नामांकन पत्र लिया। तो क्या